हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। बिफोर मूविंग फर्दर प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड शेयर। आई एम पायल। टुडे वी कंटिन्यू विद द पार्ट टू ऑफ टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो इन पार्ट वन वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वी सी दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन अ डिफरेंट वेज from some of them or about the asexual reproduction. In this part we are going to study about the sexual reproduction in a plant. Let us have a detailed look how it is. Sexual reproduction in a flowering plant. So sexual reproduction in a plant happens through the flowers. ये किसके थ्रू होगा? Flowers के थ्रू होगा. Then essential roles of the flowers such as an endosrecium and gymnosium helps in the sexual reproduction of the plant. So what are the different essential part of the plants or non-essential part of the plants? So let us look out after the non-essential part of the plant. So the typical structure of flower contains essential roles and non-essential roles. So spales and petals are called as a non-essential roles as they do not have a directly take part in the reproduction. So the word gives the meaning non-essential part means ki who do not involve in a reproduction, directly involve in a रिप्रोडक्शन। जो ऐसे पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के या प्लांट्स के जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, सो दैट पार्ट आर कॉल्ड एज अ नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स और नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो सेपल्स प्रोटेक्ट द इनर डक्टाइल वॉल्स ड्यूरिंग द बर्ड कंडीशन एंड ऑल्सो परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस इफ दे आर इन अ ग्रीन कलर। ये जब ग्रीन कलर में होते हैं बिकॉज ग्रीन कलर इट मीन्स कि इट हैव अ क्लोरोफिल पिगमेंट। So the chlorophyll pigment involved in a photosynthesis process. That's why when it in a green color or when the bud inside that, so the sepals are involved in a process of photosynthesis. The petals when they are colored attract insect for the pollination. So जो पेटल्स होते हैं, जो फ्लावर्स के पेटल्स, जो बहुत ही सुंदर सुंदर पेटल्स होते हैं, कलरफुल पेटल्स होते हैं जिसे हम पत्तियां बोलते हैं, फूल की पंखुड़ी बोलते हैं, सो दे आर अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। अब वो इंसेक्ट को इंट्रैक्ट अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? बिकॉज इंसेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन अ रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। हाउ इट विल बी? जो उनके डक्ट्स होते हैं, जो उनके माउथ होते हैं, दे कैरी द स्पर्म्स थ्रू वन फ्लावर टू अनादर फ्लावर्स। बिकॉज जब वो फ्लावर्स के ऊपर पे बैठते हैं तो जो उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उनके हाथ पैर पे या फिर उनके जो डक्ट्स होते हैं जिनसे वो जो स्वीट अपने तरफ सक करते हैं, तो उनके तरफ वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। देन द स्पर्म्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर अटैच विद द इंसेक्ट्स एंड ट्रांसफर टू द अनादर फ्लावर्स। सो इस तरीके से जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है थ्रू द इंसेक्ट्स, सो जो पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के वो अट्रैक्ट करते हैं कि भाई हमारे पास आओ और हमारे पोलन ग्रेन्स को लेकर जाओ, इस तरीके से। सो वॉट आर द इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स? इट मीन्स दैट कि वो पार्ट्स जो एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में। सो द इसेंशियल पार्ट मीन्स द एंड्रोशियम एंड द जेनोसियम are called as the essential reproductive whorls of the flower. So androecium produce pollen grains containing male gametes and the gynoecium produce ovule which are the female gametes. So the bisexual flower contains both the whorls while unisexual flower contain either of them. It means that ki jo bisexual flowers hote hain unke paas mein male gametes aur female gametes both are present in a single flower. Unke khud ke flowers mein ek hi flower mein dono ke dono present hote hain. But unisexual mein kya hota hai ki usme se either the male gametes present honge ya to either the female gametes present honge. In that case jo insects hote hain unke through inke isme kya hota hai, reproduction ka process hota hai because the pollen grains from the male gametes is transferred to the फीमेल फ्लावर, राइट? सो या तो फिर एयर के थ्रू या तो फिर किसी विंड के थ्रू, इसके थ्रू जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं टू द फीमेल फ्लावर्स के तरफ। सो ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज अ स्टेमेन एंड कंसिस्ट ऑफ एन अनादर एंड फिलामेंट्स। अनादर प्रोड्यूस हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स।
So each individual members of the gymnosium is called as a pistil and consist of stigmata, style and ovary, right? Female gametes के पास कौन-सी चीजें होती है? उसके जो part होते हैं उसको कहते हैं pistil और is consist of the stigmata, style and ovary. Let us take the example of a single flower. So in flower actually how the reproduction is takes place? So we can see here. In this flower, this one is an ovary, this one is an style, and this one is an stigmata. That is called as a pistil, right? And these petals, these are the color petals who attract the insects towards them. So another parts are that are the anther and that are the filaments. Though they do not have a they do not have a pollen grains, but that are like look like a pollen grains or another parts of the stamen, who has a male gametes, right? Then this one is a sepal, which are in green color, so it also involved in a photosynthesis process. These are the flower stem. This is called as a receptacle, right? So this is a part of the flower, and actually ovary, that is a ovary, and that is the stamen. So these two only are involved in a reproduction. So what is pollination? So how the pollination done in a flower? The process of transfer of pollen grains from anthers to the stigma of a flower is known as a pollination. It means that ki jo ye pollens hai iske paas mein jab yahan pe jo pollen grains hai it will transfer right to the stigma of the female or female part of the gametes of the flower. So jo ye transfer hoga, that the transformation is called as a pollination. It requires for the fertilization. Kiske liye ho raha hai fertilization? Jab ye transfer hoga tab kya hoga? Fertilization hoga. So pollination has of two types, ya to self pollination hoga ya to cross pollination hoga. Whenever the self pollination is known as a autogamy, and whenever the cross pollination, that is called as a allogamy. So what is the self pollination? It means that the transfer of pollen grains takes place from an anther to the stigma of the same flower or another flowers of the same plant. It means that कि सेम प्लांट में का सेम फ्लावर के बीच में ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का टू द फीमेल गैमेट्स. दैट मींस दैट द सेल्फ पोलिनेशन. एंड व्हाट इज मीन बाय द क्रॉस पोलिनेशन? इट मींस दैट द पोलन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम अनादर प्लांट ऑफ द अनादर स्टिग्मेटा और अनादर फ्लावर की अनादर प्लांट में का. इफ द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द सेम प्लांट ऑफ सेम फ्लावर, सो इट मींस दैट इट a self pollination. अगर वो another plant में से जा रहा है, two different plants are involved in a reproduction, that means the there is a cross pollination. So many pollination agents play their roles in cross pollination. Example, water, wind, insect, bird, bat. So these types of through the media is involved for the reproduction. ये किस तरीके से जब cross pollination होगा तब किस through pollination होगा, means हमारे जो pollen grains है वो किस तरीके से transfer होंगे? So through water, through wind, through insect, bird, because the petals get attract the insect towards them, right? जो flowers के petals होते हैं वो बर्ड्स को या फिर इंसेक्ट्स को वो क्या करते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं. एंड देन द पोलन ग्रेन्स आर अटैच विद द हैंड्स ऑफ दैट इंसेक्ट्स और पैरों पे बर्ड्स के. सो उसके थ्रू नेक्स्ट फ्लावर पे, नेक्स्ट प्लांट के फ्लावर पे वो जाके वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है. सो दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड एज अ क्रॉस पोलिनेशन. So fertilization, how fertilization occurs? So fusion of male and female gamete is known as a fertilization. जो fusion होगा male and female, अब तो transfer हो गया, pollination हो गया, then after that what will happen? So that process is called as a fertilization. In flowering plant, after pollination the pollen germinates or the stigmata surface of the pistil and generate two male nuclei. So ovule has a egg cell and two polar nuclei. जो ओवल पार्ट है फ्लावर का, राइट, हमने हमारे प्रीवियस स्लाइड में देखा था ओवल पार्ट है, वहां पे क्या होगा कि जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा वो होगा टॉप टू बॉटम, एंड देन वो न्यूक्लियस में एंटर करेगा, राइट. एंटर करने के बाद में क्या होगा कि टू पोलर न्यूक्लियस वहां पे
उसके साथ में फ्यूज होंगे, राइट? द वन मेल न्यूक्लियाई फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई एंड द फ्रॉम ट्राइप्लॉयड एंडोस्पर्म, राइट? अनदर मेल न्यूक्लियस फ्यूज विद द एग सेल एंड फॉर्म अ जायगोट दैट गिव्स द राइज टू द एम्ब्रियो एंड फ्यूचर प्लांट. After fertilization, ovary becomes the fruit and the ovule turns into the seed. All other parts wither away. So we can see here how the reproduction takes place in a female body of the flower. So from the top of the female body or female gametes, the pollen grain is transferred and two nuclei are entered to the ovule part of the body. राइट right? यहाँ पे टू पार्ट ऑफ द जो न्यूक्लियाई है, मेल न्यूक्लियाई के जो टू पार्ट है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. देन यहाँ पे आप इजिली देख पाएंगे कि जो हमारा पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हुआ, देन टू न्यूक्लियाई गेट ट्रांसफर इन टू द ओवल, राइट? और एक जो है इसमें से फ्यूज होगा किसके साथ में, एक सेल के साथ में. दिस इज कॉल्ड एज अ एक सेल एंड नेक्स्ट वन इज एन ट्रैप्लॉयड, राइट? सो इट विल फ्यूज विद अ ट्रैप्लॉयड एंड क्या बनाएगा, ये एंडोस्पर्म बनाएगा एंड इट विल फ्यूज टूगेदर एंड फॉर्म अ जायगोट. एंड दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज हियर वी सीन दैट देयर इज अ डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स. एंड जो फर्टिलाइजेशन अकर हुआ, द राइज इन एम्ब्रियो, जैसे जैसे ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में मैच्योर होते जाएगा, देन फ्यूचर प्लांट में किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, तो ओवरी बिकम्स अ फ्रूट. ये जो ओवरी है वो बिकम्स अ फ्रूट, वो फ्रूट बन जाएगी. एंड जो ओवल्स है वो किस में बन टर्न हो जाएगा, सीड में. एंड अनादर पार्ट विल बी द रीगेन और रीफॉर्म बाय द वेन वी ग्रो द सीड टू द सॉइल, राइट? सो इन दिस वे द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अ फ्लावर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेक्स प्लेस इन अ प्लांट. सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इन फ्लावर प्लांट्स वन स्पर्म फर्टिलाइज द एग सेल वेयर एज द अनादर स्पर्म फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई फ्रॉम द एंडोस्पर्म. जो क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है. दिस इज नोन एज अ डबल फर्टिलाइजेशन एज द फर्टिलाइजेशन इवेंट आर टेकिंग प्लेस. So here we seen how the reproduction takes place in a, or we can say that the how the sexual reproduction takes place in a plants. Thank you for listening my lecture. If you have any queries and suggestion towards the lecture, so you can comment on my comment box. If you like my video, so do not forget for subscribe my channel and do not forget for like and share. Thank you and see you with the next lecture. तब तक के आप इस पार्ट को स्टडी कीजिए एंड इसके प्रीवियस पार्ट के चैप्टर्स को भी स्टडी कीजिए. जो मैंने लिंक अपने पूरे वीडियोस डाले हुए हैं, तो यू कैन सी ऑन द माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो.